नमस्कार, मैं आपकी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा दीवान आज फिर आपके समक्ष हूँ और आज की चर्चा का विषय है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड इट्स चैलेंजेस, यानी कि महावारी के दौरान जरूरत से ज्यादा खून का बहना और उसके कारण जुड़ी यातनाएं और कठिनाइयां। तो सबसे पहली बात तो ये समझने की है ना कि हैवी ब्लीडिंग किसे कहते हैं। अब ये एक बहुत ही पर्सनल और सब्जेक्टिव ओपिनियन है, पर अगर डॉक्टर के हिसाब से पूछें तो अगर आपके पीरियड यानी महावारी 7 दिन से ज्यादा चले या फिर जितनी आपको ब्लीडिंग होती थी अब आपको ब्लीडिंग उससे ज्यादा हो रही है, और अगर आप अब देखें तो ऐसा हो सकता है कि आप जितने सैनिटरी पैड नैपकिन इस्तेमाल करती थी अब आप उससे ज्यादा कर रही हैं, हो सकता है कि दिन में 2-3 करती थी अब आप 5-6 कर रही हैं, शायद घंटे घंटे में भी बदलना पड़ रहा है। अगर आप नॉर्मल पैड यूज कर रही थी तो आप शायद मैक्सी यानी लार्ज या ज्यादा खून एब्सॉर्ब करने वाले पैड्स आप इस्तेमाल कर रही हैं। फ्लडिंग भी हो सकती है, फ्लडिंग का मतलब ये है खासकर पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन पे अचानक से इतना सारा खून बहने लगता है कि आपके जो कपड़े पहने हैं आपके अंडरगार्मेंट्स कपड़े भी सोक हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, और जब आप बिस्तर पर भी लेटी होती हैं सवेरे उठती हैं तो आप देखती हैं कि मेरी जो चादर थी या जो बिस्तर है उस पर भी खून के धब्बे पड़ गए। कभी कभी खून के कतरे ब्लड क्लॉट्स भी जाते हैं। कुछ सिनारियो में ये भी देखा गया है कि आपके पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है, यानी कि महावारी में पहले दर्द नहीं था या फिर महावारी में दर्द था कम था पर अब तो बढ़ता ही जा रहा है। जितने जितने पीरियड्स आते चले जा रहे हैं, महीने गुजरते जा रहे हैं, वो दर्द बढ़ता जा रहा है, और अगर इतना खून जाएगा तो एनीमिया तो होगा ही, यानी कि सांस फूलेगी, सीढ़ियां चढ़ेंगी तो आप हाँफेंगे, आप थक जाएंगे, आपको लिस्टलेसनेस, लेजीपन, फैटी, टायर्डनेस सभी किस्म के सिम्टम्स होंगे। अब बात ये उठती है कि ये हुआ क्यों? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, क्या आपको कभी थायराइड की तकलीफ थी, क्या आपने थायराइड का टेस्ट कराया, क्या आप उसके लिए कोई गोली खाती हैं, आपको थकान तो नहीं होती है, आपने सोनोग्राफी पिछली बार कब कराई थी। डॉक्टर आपको लिटा के आपके अंदरूनी जांच कर सकते हैं और आपको ब्लड टेस्ट भी सलाह दे सकते हैं। ब्लड टेस्ट में सर्वप्रथम है कंप्लीट ब्लड काउंट यानी हीमोग्लोबिन, और दूसरा कि हम अपने थायराइड का टेस्ट करें, जरूरत पड़े तो शुगर का टेस्ट भी किया जा सकता है। अब सोनोग्राफी की भी आवश्यकता हो सकती है। सोनोग्राफी खास करके अंदरूनी यानी इंटरनल यानी वजाइनल अल्ट्रासाउंड होती है, और यदि उसके लिए नकार दिया जाए तो लोअर एब्डोमेन की पेट से पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है, इससे बहुत जानकारी मिलती है। अब आप पूछेंगे डॉक्टर मुझे कौन सी बीमारी है, हुआ क्या? तो इसके अनेक कारण है। मेडिकल कारण तो मैंने आपको बता दिया कि थायराइड हो सकता है, उसमें थायराइड का टीएसएच लो हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकती है। अब दूसरे कारण भी है, हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है जिसमें अंडे नहीं बनते, महावारी टाइम पर नहीं आती, जैसे कि पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में देखा गया, उसमें अगर 2-4 महीने अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो अंदर की यूट्रस की जो लाइनिंग है, जो सतह है, वो मोटी होती चली जाती है और जब महावारी आती है तो ढेरों खून जाता है। अब इसके सिवा अल्ट्रासाउंड करा, कोई तकलीफ भी नहीं निकली, हिस्ट्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, टेस्ट में भी कुछ नहीं निकला, तो ये भी हो सकता है कि आपको केवल एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, जिसे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते थे, यानी कि हार्मोन में कुछ चढ़ाव घटाव, कुछ इम्बैलेंस, कुछ अदल बदल हो गई। अब अगर अल्ट्रासाउंड करने पे यूट्रस की जो लाइनिंग है उसके अंदर कोई मस्से दिख रहे हैं, यानी कि कुछ ग्रोथ दिख रही है, उसको एंडोमेट्रियल पॉलिप कह सकते हैं। यूट्रस की जो मसल है उसके अंदर फाइब्रॉइड दिख सकता है, जिसे कि गांठ बोलते हैं, रसोली बोलते हैं। इसी तरह यूट्रस की लाइनिंग कई बार केवल मोटी मिलती है और उसके अंदर कई बार कुछ सिस्ट जैसी जगह भी दिखती है, तो इसको एंडोमेट्रियल सिस्ट यानी कि एंडोमेट्रियल सिस्टिक हाइपरप्लेशिया भी बोल सकते हैं। अब और भी कुछ कारण हो सकते हैं, हाँ जी, एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस कम कारणों में होता है पर होता है। एंडोमेट्रियोसिस मतलब कि जो यूट्रस के अंदर की सतह थी ना, वो यूट्रस से बाहर ओवरी में या ट्यूब में चली गई, और एडिनोमायोसिस का मतलब कि जो यूट्रस की सतह थी जो ब्लीडिंग के साथ निकल जाती है उसके कुछ छपा के उसकी लाइनिंग के अंदर मायोमेट्रियम यानी मसल में चले गए, उसकी वजह से भी तकलीफ होती।
और कभी कभी एंडोमेट्रियल कैंसर भी पाया जाता है। खासकर अगर औरत 40 साल से बड़ी है तो उसकी अंदर से जांच के अलावा अल्ट्रासाउंड और उसके भी आगे दूरबीन डाल के यूट्रस के अंदर देखना यानी हिस्ट्रोस्कोपी और साथ में अंदर के टिश्यू की बायोप्सी लेना एंडोमेट्रियल बायोप्सी एंडोमेट्रियल सैंपलिंग डायलेटेशन एंड क्यूरेटा डीएनसी जिस नाम से आपको कार्य किया जाता है। यदि महिला 40 साल से कम की है और इतने रिस्क फैक्टर नहीं है तो हिस्ट्रोस्कोपी या बायोप्सी डाली जा सकती है और अगर चाहें तो ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी यानी आपके क्लिनिक में ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी या क्लिनिक में ऑफिस बायोप्सी एंडोमेट्रियल सैंपलिंग की जा सकती है। अब ये तो हो गई डॉक्टर की बात है, अब सवाल ये है कि मुझे तकलीफ है डॉक्टर आप मुझे इलाज तो बताएं। देखिए अगर आपको थायराइड की तकलीफ है तो थायराइड की गोली मिलेगी। अगर आप यंग हैं और ये पहली बार ही हुआ है तो डॉक्टर कहेंगे वेट एंड वॉच रुकिए देखिए और मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करने को कहेंगे यानी कि आप एक कैलेंडर बनाएं हर महीने कितने दिन खून आता है कौन से दिन खून होता है कौन से दिन कौन सा रंग है किस दिन छपा के आ रहे हैं स्पॉटिंग पीरियड से पहले हो रहा है स्पॉटिंग कितने दिन पीरियड के बाद हो रहा है किस दिन सबसे ज्यादा खून जा रहा है फ्लडिंग हो रही है किस दिन खून के कतले जा रहे हैं और आप ये सारी बातें नोट करें। 3 महीने बाद डॉक्टर बुला सकते हैं पर अगर बीच में फिर से हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो बुलाइए। अगर पेट में दर्द है तो पेट के दर्द की गोली देंगे। अगर ब्लीडिंग ज्यादा है उनको कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा खासकर जब कोई कारण ही नहीं समझ में आया तो वो आपको कुछ दवाइयां ब्लीडिंग रिड्यूस करने के दे सकते हैं जो कि जरूरी नहीं है कि हार्मोन की मेडिसिन। यदि उससे काम नहीं चलता तो हार्मोन की मेडिसिन भी दी जा सकती है यहाँ तक कि गर्भ निरोधक गोलियां यानी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जा सकती है। अब जरूरत पड़ने पे हार्मोन केवल मुंह से नहीं खिलाए जाते बच्चेदानी के अंदर भी एक डिवाइस डाला जा सकता है जैसे कि कॉपर टी डलती थी कॉपर टी नहीं उस डिवाइस को मिरीना यानी इंट्रायूट्राइन सिस्टम कहते हैं वो डाला जा सकता है। पर अगर एंडोमेट्रियल पॉलिप है यानी कि बच्चेदानी के अंदर मस्सा है तो दूरबीन डाल के उस मस्से को निकाला जाता है। अगर फाइब्रॉइड है और वो भी यूट्रस की लाइनिंग के अंदर है सबम्यूकस फाइब्रॉइड है तो भी दूरबीन डाल के उसको निकाला जा सकता है। पर अगर फाइब्रॉइड बड़ा है और यूट्रस के अंदर है मसल में या बाहर है और अंदर से नहीं निकाला जा सकता तो उस फाइब्रॉइड को रिमूव करना जरूरी है निकालना जरूरी है। यदि आपकी फैमिली कंप्लीट है आपको और बच्चे नहीं चाहिए तो केवल फाइब्रॉइड यानी मायोमेक्टमी की जा सकती है और अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है फाइब्रॉइड बड़े साइज का है तो पूरी बच्चेदानी यानी हिस्टेरेक्टमी की जा सकती है। जो लोग बच्चेदानी नहीं निकालना चाहते हैं बच्चेदानी निकालनी मुश्किल है उन केसेस में अगर यूट्रस की लाइनिंग में डिस्टरबेंस है तो वहां पे यूट्रस की लाइनिंग को चलाया जा सकता है यानी कि एंडोमेट्रियल अब्लेशन करी जा सकती है वो चाहे गर्म हीट से करी जाए यानी कि बलूनिंग मेथड से थर्मल बलून से करी जाए या फिर खुरच खुरच के निकालना यानी उसको जला के निकालना रिसेक्शन उससे करी जा सकती है। यातनाएं आती है 100 में से 30 औरतों को ये तकलीफ होती है कि उनको कभी ना कभी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। 14 से 44 साल की रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की उम्र है और ये कोई अटपटी सी बात नहीं है कि कभी ना कभी हो गया। फिर भी यदि ऐसा कुछ हो तो डॉक्टर को संपर्क करें और उनकी राय को सुने। इसी के साथ अगले सेशन में आपसे फिर से मिलती हूँ मैं आपकी स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा देवान। नमस्कार शबा खैर।